यह है वो मूजी नाक। अपने सर तोड़ कोशिशों के बावजूद जिसके जहर का हमें कोई हल नहीं मिल सका। इससे बेशतर हमारे दो फील्ड ऑफिसर इसी मुहिम में अपनी जान से हाथ धो बैठे। धो बैठे? अगर हमारा तजुर्बा कामयाब हो गया तो नाक का यही जहर इंसान के लिए त्रियाप साबित होगा। इसीलिए कंपनी आपको नागग्राम जैसे खौफनाक और पुरसरार इलाके में भेजने का खतरा मोल ले रही है। सर, अगर हम जैसे दो चार आदमियों की जान जाने से लाखों इंसानों की जानें बच सकती तो हमें इसे अपनी खुशकिस्मती समझना चाहिए। हमें क्यों? मुझे कहिए। सर, मेरे ख्याल में खाकसार तो सिर्फ जड़ी बूटियां लाने के लिए जा रहा है। आपका क्या ख्याल है सर? जो आपका ख्याल है जी, वही तो। और ये जाते शरीफ जबरदस्ती मुझे अपने जहर के बिजनेस में घसीट रहे हैं। मिस्टर अंदर, ये है आप दोनों के पास पोर्ट टिकट। कल सुबह के हवाई जहाज पे आप सोनों की सीटें रिजर्व हैं और कंपनी के रेस्ट हाउस में आपके रहने के अहकाम भिजवा दिए गए। तो खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ख्याल छूट गई तो गिर के मर जाएगा। अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। मेरी वसीयत नोट कर लो। मेरी लाश का पार्सल मेरे वालिद मोहतरम को भेज देना। पता जरा पूछना। बकवास न कर, ऐसे में मजाक सोचता है। बाबूजी, बाबूजी, आप इधर हो जाए, मैं खींचता हूँ। आ भाई, ना ना ना, खुदा के लिए अनवर भैया, मेरी बागडोर खैरों के हवाले न देना। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो यहाँ पर मुझे धक्का दे दे, मैं मछली की बहुत मरना नहीं जाता। अब के बोले तो रस्सी छोड़ दूंगा। यार, तो मेरी नफ़स देखना, मेरे ख्याल मेरा टिकट कट चुका है, मैं जिंदा नहीं हूँ। जिंदा तो तू 100% ही है, मगर तू यहीं से वापस लौट जा। नागराम पहुंचना तेरे बस का रोग। मेरी खैरत को मत ललकारो। मैंने तो तुम्हारे प्यार में अपनी अंग्रेजी टोपी तक की परवाह नहीं की। मैं तुमसे पहले नागराम तक पहुंच चुका। क्या कोई साइकिल मिल सकती? क्या है? ना साहब जी, ना। या तो ये सर्कस का साहब है या फिर तुम बहुत बड़े जादूगर। नहीं साहब जी, ये हमारा देवता है और हम लोग इसकी औलाद है। तुम लोग इसकी औलाद? जी। अच्छा अच्छा, मैं उसे कुंवारा समझ रहा था। जरा मेरी आंखों में झांको। मारेगा भैया, ये सब लोग तो वाकई सांप की औलाद है। मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि जो शख्स आंख न झपके वो सांप की औलाद होता है। यार जाहिलों जैसी बात कर रहा है। अरे ये साइंस का दौर है, तेरी नानी अम्मा का जमाना नहीं है। चलो भाई चलो। हाँ
गया आ गया साहब। पढ़ लिया है मैंने। अच्छा शुक्रिया। सलाम साहब। जोगीदार जोगीदार। सलाम साहब, मेरा नाम पुसामा है और मैं इस बंगले का चौकीदार हूँ। सामान अंदर। बहुत अच्छा है यार, पैदल चल चल के बुरा हाल हो गया। देखो खान सामान। नहीं पुसामा, वो कोई आदमी मिल जाएगा पैर तुम्हारा? मैं हाजिर हूँ। गुड गुड। यार खाने का भी बंदोबस्त करो जल्दी से, बड़ी सख्त भूख लगी। अच्छा अच्छा, मेरी लड़की मौजूद है, वो पका देगी। तुम्हारी लड़की? हाँ जी। कहाँ है? वो रही। सलाम बाबू जी। जी रो। क्या नाम है तुम्हारा? बिंदिया। बहुत प्यारा नाम। जी बिल्कुल तुम्हारी तरह। बाबू के गले में हाथ डाल देना बिंदिया। हाँ जरूर, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्त, अखबार को हक मिल गया। ठीक है, सर झुकाने का यही अंजाम होता है, लोग अपना काम कर जाते हैं। अब पुराना मानना साहब, बिंदिया ने सोचा था कि एक ही डॉक्टर आएगा इसलिए एक ही हार पहना। कोई बात नहीं, साहब को वैसे भी हार पसंद है। हाँ यहाँ जीत भी आपकी हार भी आपकी। चल गए। अरे जले ना तो और क्या करें, जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी, अभी हम दिल देने की कोशिश ही कर रहे थे कि जनाब बीच में विलन बनकर टपक पड़े, कोई शराफत है? गलत अंदाजे ना लगाएगा, खूबसूरत लड़कियों का दिल आमतौर पर सख्त होता है। ज्यादा इश्क की दाल भगाने की कोशिश की ना तो वो पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। और जो फिर डाल चले। पर हम भी फंदा लगे बगैर मर जाने वाला हाथ से कहीं। अब तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी मुर्दा, बता क्या लेने आया था यहाँ? बताता हूँ बताता हूँ, गला तो छोड़। क्या हुआ बिंदिया, क्यों मार रही है इसे? बाबा मैं साहब लोग का पानी भर के आ रही थी कि ये कलमा रसोई में घुस रहा था। तो फिर चोरी कर लिया था। अरे पोसामा बेचारे को, ये चोर है बाबू। चोरी करना कोई जुर्म तो नहीं है मासूम खातून, हम सब चोर हैं, क्या ख्याल है आपका? भूखा आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा बाबू? चोर। चूड़ियों के गीत सुनाने वाले हाथों से प्यार के दिए जलाए जाते हैं, मारपीट नहीं की जाती। अबे भागेगा कहाँ, मुझसे बड़ा भगोड़ा तुझे पूरे एशिया में नहीं मिलेगा। छोड़ दो यार, तू इंसान से न जाने क्या कुछ कराती। क्या नाम है तेरा? हाँ काम करेगा? जरूर करूंगा माई बाप। अबे सिर्फ बाप कहे, फिलहाल माई का बंदोबस्त नहीं हुआ है, बहुत मारा मारी हो गया माई बाप, अब कुछ खाने को मिल जाए। ईमानदारी से काम कर, खाना भी मिलेगा तनख्वाह भी। तो फिर एक ठो रुपए का दर्शन हो जावे ताकि नैनों का रोशनी बढ़ जावे। लाओ भाई। उसामा आज से छोटे मोटे काम ये कर लेगा, बिनिया से देखभाल करेगी। आओ जनाब खाना। खाना शुरू कीजिए ख्याल साहब, खाना ठंडा हो गया। यहाँ हर चीज उल्टी हो रही है, महबूब संगदिल हो रहा है, आशिक दलील हो रहा है और दोस्त दुश्मन हो रहा है। और तुम बेवकूफ हो रहे हो। अरे नादान, इस मुखड़े से औरत का दिल जीतना बहुत मुश्किल। बिल्कुल गलत, अव्वल तो मैं तुम्हारे मुकाबले में बदसूरत नहीं हूँ, और अगर 19-20 का फर्क है भी तो वो तुम्हारे ताबुन से दूर हो सकता है। तो फरमाइए इस सिलसिले में मैं आपकी कितनी खिदमत करूं? नहीं नहीं, मुझे रुपए की नहीं, तुम्हारे खुलूस की जरूरत है। तुम एक बार बिंदिया को हमशीरा कह दो। सॉरी, खुलूस का ये मुजाहरा आप ही को करना होगा। बिंदिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी आरज़ू। बस बस, जरा ये अपनी छुरी मुझे दो, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता। तो ये नेक काम आप अपनी छुरी से कर लीजिए। नहीं नहीं, जाती छुरी से हलाक होना खुदकुशी है, और मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता। नो हाय बाबू, क्या रोग है तुम्हें? मुझे शक हो गया। किसके साथ? एक लड़की के साथ। फूटे भाग बिचारी के। ले हलवा खा, ये मेरी कुर्बानी की इब्तिदा है। थैंक यू। कितना मजेदार हलवा है।
जी चाहता है जिन हाथों ने इसे बनाया है उन हाथों को चूम। सचमुच तू उन हाथों को चूमना चाहे है? हम दोनों कितने हम ख्याल है। वही तो बाबा, ओ बाबा। नहीं ये बाबा को क्यों बुला दी? मैं हाथ वाथ नहीं चूमना चाहता, मना कर दिया। बाबा जल्दी आओ। अभी आया। क्या बात है बिटिया? इस बाबू को तेरा हलवा बड़ा भाया है, तेरे हाथ चूमना चाहिए। बावली हो गई है क्या? बिंदिया ठीक कहती है बुझाना, हाथ बढ़ाओ। अरे सोच क्या रहे हो, हाथ बढ़ाओ। मेहमान का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं, पर बाबू अपना हाथ में तो प्याज लगा हुआ है। प्याज? प्याज तो साहब को बहुत पसंद है, रोज कपड़ों में प्याज का अर्थ लगाते। अच्छा फिर तो ठीक है, लो बाबू चूम लो। फूलों की खुशबू और प्याज की खुशबू दोनों की कदर करना सीखो, शेर बनो। तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? हैं? गौर कर रहा हूं इन बतखों में नर कौन है और मादा कौन। अरे सीधी सी बात है, जो तैर रही है वो मादा है, जो तैर रहे हैं वो नर है। छोड़ो यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है, और मैं इंतहाई तकलीफ दे लम्हा से दो चार। खैरियत? इन बतखों को देखकर मुझे अपना अकेलापन जहर लग रहा है, मैं बहुत उदास हूँ अनवर। मुझे सफेद खरबूजे की वो फांक याद आ रही है जिसका नाम बिंदिया है। अरे मैं तेरी क्या मदद करूं दोस्त, मैं तो खुद यहां तना हूं। कि मैं क्या देख रहा हूं? क्या देख रहा है? लड़की, और बेहद हसीन लड़की। हाँ मुझे दिखा दिखा दिखा, कहाँ है वो? उधर दरख्तों के पास। बहुत ही उम्दा बेवकूफ बनाया आपने, शुक्रिया। आओ तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूं, इसलिए कि तुम्हारी आंखों के लेंस खराब हो चुके हैं, अब तुम्हें हिरनी भी लड़की नजर आती। क्या बकता है। ले फिर देख, लेंस तेरे खराब है या मेरे? तुम्हारा कसूर नहीं है भैया, जवानी में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जिस तरह तुम्हें अपनी आंखों पर नाज है उसी तरह मुझे भी अपनी आंखों पर भरोसा है। मैं लड़की को हिरनी तो कह सकता हूं, लेकिन हिरनी को लड़की नहीं समझ सकता। सच कह रहा है तू? ताजुबे तुझे हिरनी नजर आती है, मुझे लड़की नजर आती है, और अब तो बहना हिरनी है ना लड़की, आखिर माजरा क्या है? अनवर, ना जाओ, खुदा के लिए किसी मुसीबत में ना फंस जाना, मुझे ये सब कुछ जादू का चक्कर लगता है। नानी अम्मा जी की क्या करती थी, जवानी दीवानी होती है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने तुम्हें देखा है, फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम महज मेरा बहम? सामने आओ, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूं, सिर्फ एक बार अपनी एक झलक दिखा दो। मुझे तुम्हारा नाम नहीं मालूम, पर मैं इतनी जोर से पुकारता कि मेरी आवाज सारी कायनात की आवाज बन जाती। का मतलब है तुम यहीं कहीं छुपी हो और मेरी बेचैनी का लुत्फ उठा रही हो। तुम तो अभिरनी का रूप बदल लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें इन जागती आंखों से देखा है। बता रहा एक बार अपना असली रूप दिखा दो,
समझ गया। तुमने मुझे इसलिए दीवाना बना रखा है कि मेरी दीवानगी पर हंस सको, ये अच्छी बात है। तुम्हें इतना ख्याल तो होना चाहिए कि मैं परदेसी हूं। लोग तो परदेशियों की खातिर किया करते हैं, उन्हें तड़पाया नहीं करते। खैर, अगर तड़पाना ही तुम्हारी रीत है तो मैं इस तड़प को अपना मुकद्दर समझ लेता हूं। आखिर तुझे परदेसी पर तरस आ ही गया। परदेसी? मुझे तो यूं लगता है जैसे मैं तुझे जन्म जन्म से जानती हूं। ऐसे क्यों देख रहा है बाबू? पता नहीं, पर जी चाहता है तू यूं ही देवी बनी मेरे सामने खड़ी रहे और मैं तुझे देखता रहूं। मुझे देवी ना कह बाबू, मैं तो दासी हूं। तू नहीं जानता बाबू मैं आज कितनी खुश हूं और तुझे देखकर मुझे कितना सुख मिला है। मैं तुझे किस नाम से पुकारूं? जो तेरा मन चाहे। मेरा नाम नीरा है। नीरा? आगे ना बढ़ बाबू। क्यों? तू आंख मिलाता है तो मन जोर से धड़कने लगता है मेरा। क्यों? ये मैं नहीं जानती। तूने मुझे डोर की तरह उलझा दिया है। देखती हूँ तो मन तुझे पास बुलाना चाहता है। सोचती हूँ तो मन घबराने लगता है। लोग कहते हैं जो दिल कहे कर गुजरो। प्यार सोच की जंजीरों से आजाद होता है नीरा। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बाबू। यहाँ हर तरफ नाग देवता का राज है, पल पल तेरी जान को खतरा है। दिल वाले जान की परवाह नहीं करते। बाबू हिलना मत। तू तो नाग को देवता मानती है, फिर देवता को उठाकर फेंक क्यों दिया? जब मन किसी को देवता मान लेता है तो फिर कोई और देवता आंखों को नहीं भाता। हाय दैया, मेरी सखी आ गई, कहीं वो तुझे मेरे संग न देख ले। तू कहीं जल्दी से चुप जाना बाबू। चुप तो, लेकिन अगर नाग देवता फिर मिलने आ गए तो? ये मन का तो अपने पास रख ले, इसे नाग की दसी हुई जगह पर रख दिया जाए तो सारा जहर चूस लेता है। जल्दी से चुप जाना बाबू। चुप तो, पहले वादा कर। हाँ हाँ मिलूंगी। कब? जब दिल पे चैन होगा तुझे पुकार कर बुला लूंगी। हम तो खोज खोज के आते, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी मुनिया को खोज रही हूँ। पता नहीं कहाँ मर गई, वो खुद ही आ जाए। चलो स्नान कर। अरे ना ना ना, शर्म कर। वो क्या? वो झाड़ी में फूल। फूल? हाँ फूल ही तो है। चल चल स्नान कर ले। नारी बेला, बड़ी ठंड है। ठंड? माथे पर तो पसीना आ रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, माथे पर पसीना और मन में ठंड। और इस सच्ची स्नान कर ले, नीरा रानी को तो ठंड लग रही है। चलो आओ। अरे ना 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 ना, वो आकाश देख रहा है। नीरा रानी आज तू कैसी बातें कर रही है? आकाश देख रहा? हाँ हाँ, आकाश झूम रहा है, धरती नाच रही है और मेरा मन लहरा रहा है। मन में उठी नई तरंगे
मोरा धड़क गया, हो गई मैं बेकल। किसने किया बेकल को हर सखी, जान क्या है ये उमंग कहते हुए शर्माऊं, किसी के हाथ ना सखी ना, 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 ना। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग मन चाहे उड़ जाऊं, किसी के छुपे मन के मेरे भेद कई खोले। कमली बड़ी तेरे मन में है क्या, झूमती हवा के संग बाद दौर खो जाऊं, किसी के हाथ ना दे सकी ना, 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 ना। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग मन चाहे उड़ जाऊं, किसी के हाथ ना। झनन झनन बाज उठी आज मोरी झांझन, मन के प्रीत के पतंग बीच गगन लहराऊं, किसी के हाथ ना सखी ना, 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 ना। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग मन चाहे उड़ जाऊं, किसी के स्नान कराई बेटी? नहीं माँ। क्यों? अरे तेरा मन का कहाँ गया? मन का वो तो एक परदेसी को दे दिया है, उसे नाग ने डस लिया था। परदेसी के मन में जरूर कोई खोट होगा, तभी तो देवता ने उसे डस लिया। नाग तो डसे गई बाबा, कोई खोटा हो या खरा। चुप मूर्ख, तेरा मतलब है देवता को खोटे खरे की पहचान नहीं? वो जालिम है जो किसी को यूं ही डसेगा, जालिम ही होगा बाबा। नीरा, तू कुछ दिनों में नागदासी बनने वाली है। देवता के बारे में ऐसा विचार करती है, डर देवता से, ये पाप है, महापाप। इसने गालिब चौकन्ना कर दिया, वरना हम न थे आदमी काम के। अनवर मियां, ए भाई, ए मजनू, मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, आपके फरिश्तों की ट्रंक कॉल आई थी, कह रहे थे कि अनवर तुम्हारा दोस्त है, उसे जादूगरनी के इश्क से बचाओ। खैर, मजाक में भी उसकी बुराई न किया करो, मीरा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। नाराज हो गए यार, मुझे क्या पता था हालात इतने ट्रेंचेस हो जाएंगे, माफ कर दो प्लीज। दरअसल तुम्हारा कसूर भी नहीं, अब हर लड़की पर आशिक होने वाला प्यार की क्या कदर कर सकता। ना 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 अनवर साहब, वो ख्याल मर चुका, अब तो बिंदिया मेरी जिंदगी में उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरी रूह, मेरी आंखों की रोशनी, मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे दोस्त मेरे लिए। कहां चला गया 20वीं सदी का राजा? माल आ गया बाबूजी। ठीक है, जमा करा दो। अरे ये तो जड़ी बूटी है, तुम तो कहते थे माल है। माल हमारी किस्मत में कहां बाबूजी,
हम इसी को माल कहते हैं। ये मिठाई है। जरा ध्यान से बाबूजी, बड़ा जहरीला है, काट भी लेता है। अच्छा अच्छा, अब जाओ। चाय समझ लो, दूध पियो। दूध पीने की उम्र तो गुजर गई मेरी। तो फिर जहर पियो। अरे जालिम, गैरत वाले तो दूध को भी जहर समझकर पी लेते हैं। ला इधर ला, बकरी का है ना। बाबू किधर है? है तो ये क्या है? मैं क्या तुझे चपरासी नजर आता हूँ? तो बाबू है। बाबू तो वो है डॉक्टर बाबू। अब वो डॉक्टर नहीं रहा, उसे रोग लग गया है। क्या रोग है उसे? उसे इश्क ने रस लिया है। इश्क क्या होता है? इश्क, इश्क भी एक कीड़ा है, टिनकू कीड़े की तरह, जो सबसे पहले इंसान के दिमाग को चाटता है, उसके बाद इंसान की आंखों पर हमला करके उसे अंधा कर देता है। दिल दिल दिल, जरा हाथ इधर लो ना। धक धक धक, क्या हो रहा है? धक 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 हो रही है ना। तो फिर डॉक्टर बाबू की धक धक बंद हो चुकी होगी। नहीं, धक धक बंद होती तो आदमी मर जाता है। वो भी मर रहा होगा या मर गया होगा। तू क्यों ना मरे? बिंदिया, ओ बिंदिया! अरे जालिम, यही तो वक्त है दिलवालों के मिलने का। अरे तन्हाई भी है और अंगनाई। चल तू चला, दुआई बुला कुत्ता। चल तू चला, दुआई बुला। तू? हाँ बाबू। क्या है? तू भला इतनी रात का यहाँ क्या कर रहा है? यही सवाल मैं तुझसे पूछूं तो फिर मैं अपनी आंखें तेरी तरफ बढ़ा दूंगी, जिनमें दूर दूर तक नींद का नाम नहीं। अब तू पूछेगा किसने चुराई है तेरी नींदिया, तो मैं कहूंगी अपने दिल से पूछ। दिल है किस कम वक्त के पास? क्यों, किसी को दे दिया है क्या? यही समझ ले। मैं तो समझती हूँ, पर तू नहीं समझ। कहाँ जा रहा है बाबू? तूने सुना नहीं? कोई मुझे पुकार रहा है। मैं अगर तेरा रास्ता रोक के खड़ी हो जाऊं तो? मैं तुझे अपने रास्ते से हटाकर चला जाऊंगा बिंदिया। बाबू तू आ गया। तू पुकारे और मैं ना हूं, अब तो तेरे बगैर एक पल भी चैन नहीं आता। मेरे पास ना आना बाबू। पास बुलाकर कहती है पास ना, आग लगाकर कहती है चलना जाना, ये कैसा खेल है मेरा? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बाबू? सुन सकता है तू सुन, मैं नाग देवता की औलाद हूँ, मेरी नस नस में जहर भरा है, मुझे छूने वाला जिंदा नहीं रह सकता। इंसान और नाग देवता की औलाद, ये कैसे हो सकता है? तेरे दिल में ये वहम किसने डाल दिया? मैं जानती थी तू नहीं मानेगा। कैसे मानूं, तेरे अंग अंग से अमृत टपक रहा है और तू कहती है तेरी नस नस में जहर भरा हुआ। मैं सच कहती हूँ बाबू,
अगर ये बात तो फिर मैं उस मौत को जरूर अपनाऊंगा जो तुझे छूने से नसीब हो। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं, नहीं बाबा। बोल लीरा, तू तो कहती थी मुझे छूने वाला जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तो यूं लगता है जैसे आज पहली बार जिंदगी मिली हो। मैं क्या जानूं, मैंने तो यही सुना था, एक नागदासी ने अपनी माँ को चूम लिया था तो वहीं तड़प कर मर गई थी। अच्छा, हाँ, हो सकता है नाग देवता को आज तुझ पर प्रेम आ गया हो। और तुझे? मुझे भी। वो नागिन डस गई, कुछ कर नहीं रहा, नहीं तो मर जाऊंगा। मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं हो सकता बाबू। अब बता, तेरे इन होठों में जहर है या अमृत? वो नागिन कहाँ है? ये रही, मेरे सामने। बाबू, क्या हो गया है तुझे? प्रीत। Yeah.
चपा चपा छान मारा सरदार, नीरा का कहीं पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? कहीं वो उस पार तो। क्या बकते हो, वो उस पार कभी नहीं जा सकती। आओ उस पहाड़ी पर देखें। सखियों से प्यार का नाम तो सुन रखा था, पर आज पता चला प्यार होता क्या है। प्यार के फासले कितनी जल्दी गुर्बतों में बदल गए हैं नीरा। यूं लगता है जैसे आंखें कोई खूबसूरत सा सपना देख रही है। सपने कभी कभी टूट भी जाते हैं बाबू। बिंदिया, तू यहाँ क्यों आई? तुझे वापस ले जाने। नहीं, मेरे बाबू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस औरत ने तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है बाबू। ये औरत नहीं, जहरीली नागन है। ये मेरे सोचने की बात है। ये तो मेरे बाबा की आवाज है। बिंदिया, तू कहाँ जा रही है? बिंदिया, तेरे बाबा की आवाज में अंगारे भरने, उसे ये बताने कि अपने घर की जिस इज्जत को ढूंढता फिर रहा है, वो एक परदेसी बाबू से प्यार का नाटक खेल रही है। नहीं बिंदिया, ऐसा न करना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। बिंदिया, तू नहीं जानती बिंदिया, मेरा बाबा बड़ा निर्दयी है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा है, मेरे रास्ते की दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। तू समझती क्यों नहीं बिंदिया, ये बाबू के भी जीवन का सवाल है। तू किस पत्थर के आगे हाथ जोड़ रही है नीरा? अपने जीवन के लिए मुझे इसके रहम की भीख की जरूरत नहीं है। जा बिंदिया और सारी बस्ती में ढंडोरा पीट दे के बाबू नीरा से प्यार करता है। मैं अपने प्यार की राह में हर तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी बकरी ढूंढने आई थी। तू नीरा को ढूंढ रहा है ना? हाँ, मगर तुझे कैसे मालूम हुआ? तेरी आवाज सुनी थी। तो मेरी भी जरूर सुनी होगी। तूने कहीं नीरा को तो नहीं देखा? अरे बोल बिंदिया, नहीं तो बेकार में पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैंने नीरा को नहीं देखा। देखा सरदार, मैंने पहले ही कहा था। आखिर वो गई कहा? धरती में समा गई या आकाश ने उठा लिया? हाँ, एक जगह और रह गई है, वो जरूर देवता के मंदिर गई होगी। आओ मेरे साथ। चलो। नहीं, गांव में नहीं, बंदर में नहीं, मर कहां गई? मैं क्या जानूं? तू कुछ जानती भी है? अगर महाराज को पता चल गया तो आकाश टूट पड़ेगा। कहां से आई हनीरा? पूजा करके। मंदिर में भी तुझे आवाजें दी पर तूने कोई जवाब नहीं दिया। पूजा तोड़ के जवाब देती? क्यों मां? ना बेटी ना, पूजा तोड़ना महापाप है। पाप है? अब रात को तू अकेली बाहर मत जाया कर। मुझे काहे का डर? मैं तो नागदासी हूँ। तू नागदासी ही नहीं, औरत भी है नीरा, समझी? मैं तो पहले ही समझ गई थी बाबा, तुम्हें देर में समझ आई। पूरी हो गई आज की दिहाड़ी है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा छान मारा, मगर वो बूटी नहीं मिली। कौन सी बूटी? अरे वही जीवन बूटी, जिसका धुआं देने से बिंदिया के दिमाग से तेरे प्यार का भूत उतर जाएगा। ये काम सिर्फ बूटी से नहीं होगा, इसके लिए और भी कुछ। क्या मतलब? फिर मेरी सूरत को बुरा कहा? तेरी सूरत को कौन बुरा कह रहा है? हाँ, तेरे नसीब कुछ ऐसे वैसे ही हैं। है, तेरे नसीब तो बहुत अच्छे हैं। तुझे किसी के दुख का एहसास क्यों कर होने लगा? क्यों होने लगा? ख्याल, मैं चला। जाओ भाई जाओ, हम तो हुस्न के असीर हैं, इश्क के फकीर हैं, हमेशा यही सदा लगाएंगे, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। हेलो, कैसे मिजाज हैं आपके? मेरा नाम अनवर है, आपने तो पहचान ही लिया होगा। ये तो बताइए, आपकी मालकिन कहाँ है? ये
यहाँ कब आया? अब क्या होगा? अच्छा तू वहां छुपी है, पर वहां ना क्या मुश्किल? इधर ना आना बाबू। क्यों? बस मैंने जो कह दिया। एक शर्त है, तू यहां जा। देख बाबू, मुझे तंग ना कर, ना तू यहां आ सकता है और ना मैं वहां। आखिर बता भी तू चले क्यों? ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। मेरे तू बाहर नहीं आएगी? बड़ा बेशर्म है। जल में आग लग जाएगी। एक अलबेली सिनार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम, सपनों में आए निंदिया चुराए, एक अलबेली सिनार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम। जलाए हो जल को जलाए, लहरों में गोरी हलचल मचाए, झलके नजरिया से प्यार रे झमाझम, झलके नजरिया से प्यार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम, आग लगाए मन तड़पाए, एक अलबेली सिनार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम, हाय रे झमाझम, होय रे झमाझम। पायल छन के अंग अंग नाचे हो, अंग अंग नाचे धरती तेरे संग संग नाचे, चाल चले मतवार, चाल चले मतवार रे झमाझम, चाल चले मतवार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम, आग लगाए मन तड़पाए, एक अलबेली सिनार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम, हाय रे झमाझम, होय रे झमाझम। हो जी प्रीत अमर हो, नदिया में चाहे लाख भावर हो, तू नहीं आ मैं पतवार रे झमाझम, तू नहीं आ मैं पतवार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम, आग लगाए मन तड़पाए, एक अलबेली सिनार झमाझम, एक अलबेली सिनार झमाझम, हाय रे झमाझम, होय रे झमाझम। मेरी एक बात मानेगा बाबू?
जब तक मैं तुझे ना पुकारूं, तू यहां ना आया कर। हमारा प्यार पुकार की हदों से बहुत दूर निकल आया है नीरा। तूने मुझे पुकारा नहीं, पर सच बता, तूने मुझे याद नहीं किया था? किया था। फिर जाने क्यों कभी कभी मुझे डर सा लगता है, कहीं मैं तुझे खो ना बैठूं। पगली, तू ऐसा क्यों सोचती? अगर लगन सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत प्यार करने वालों का रास्ता नहीं रोक सकती। बाबू, ये शहर नहीं नाग देवता की धरती है, तू यहाँ पाप का बीज बोने आया है। प्यार को पाप न कहो सरदार, मुझे नीरा से सच्चा प्यार है, मैं इसे अपना जीवन साथी बनाऊंगा। बाबू, नागदासी से प्रेम करना पाप है, इससे पहले कि नाग देवता तुझे जलाकर भस्म कर दे यहाँ से चला जा, नहीं तो यहाँ से तेरी लाश जाएगी। चल नीरा। पागल ना बनवार फर। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। वो तो ठीक है, आओ इस वक्त चले। आओ आओ। वो घड़ी मुझसे ना देखी जाएगी सरदार, के लोग तुम पर उंगलियां उठाए, तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाले और तुम किसी से नजरें ना मिला सको। हराम, तू शायद बिटिया के बारे में पकड़ा है। हाय हाय, वो तो सारे गांव की इज्जत है, नागदासी है नागदासी। अगर वो तेरी नजरों का पहरा तोड़कर उस परदेसी के साथ भाग गई तो। वो वक्त कभी नहीं आएगा, वो घड़ी आने से पहले उस परदेसी की जीवन ज्योत बुझा दी जाएगी। बाबू, नीरा, तू यहाँ से भाग जा बाबू, वो लोग तुझे मारने आ रहे हैं। हम बुज़दिल नहीं। तू समझता क्यों नहीं बाबू, अगर तुझे कुछ हो गया तो। घबरा मत नीरा, मैं अपने प्यार की हिफाजत के लिए हर जालिम से टकराने को तैयार हूँ। दासी से पूछ, ये मंदिर छोड़ के यहां क्या करने आई थी? मेरे पति,
कहाँ जा रहे हो? मंजिल की तरफ। पागल न बनो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तेरा रास्ता न रोको ख्याल, तुमने सुना नहीं, वो मुझे पुकार रही है। मैं कहता हूँ वो तुम्हें मार डालेंगे, मार डालेंगे। रास्ता दिखाता है नीरा। ये लोग बड़े जालिम हैं बाबू। मैं जानता हूँ, मगर सच्चा प्यार कभी जुल्म से हार नहीं मानता। तो फिर तुझे फैसला करना होगा, तू मेरे साथ रहकर जीना चाहती है या मुझसे जुदा होकर मरना। तुझसे दूर रहकर मैं कैसे जी सकती हूँ? तो फिर एक ही रास्ता है नीरा, मेरे साथ चल। नहीं बाबू, तू मुझे जहाँ भी ले जाएगा नाग मेरा पीछा करेंगे। ये सब झूठे फरेब है नीरा। तरह सोच तो सही, जिस देवता को तू मौत के घाट उतार सकती है वो तेरा देवता कैसे हो सकता है? वो देवता ही क्या जो प्यार का दुश्मन हो? बोल, तुझे मेरा प्यार अतीत है या ये जिंदगी? मैं तेरे साथ चलूंगी। अरे लंगड़ू, अरे घुट गई क्या? नहीं अभी छान कर आता हूँ। अरे बिन छनी लिया मत्ती मारनी है ना। सपना है? नहीं, सपना नहीं है। डाकघर ने सरदार की दीवार में छेद कर दिया वाले से। मेरा गला छोड़ सरदार, तू भाग कर नीरा को पकड़। जहाज हवा में उड़ जाएगा तो तू धरती पे टापता रह जाएगा। चुप रह नीरा। बंगला सामने है बाबू। संभलो बाबू, वो लोग पास आ गए हैं।
जिसने तेरे मन से देवता की याद भुला दी वो निर्दोष नहीं हो सकता। ये पापी है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये क्या कर रहे हो बाबा? इधर आ। इलाका को बेटी से धर्म प्यारा है। बिंदिया, बिंदिया, सामा, तुम्हें नीरा का घर मालूम है? जी साहब। वो मेरे दोस्त की जिंदगी खतरे में, वो फिर उस नागन से मिलने गया है। मेरे साथ चलो तुम। चलो साहब। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी बाबा। आओ। अनवर, तुझे क्या हो गया? अनवर बाबू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था बाबू, वो औरत नहीं जहरीली नागन है। आखिर उसने तुझे डसी लिया। बाबू को बचाया जा सकता है, अभी इसमें जान बाकी है। मेरे साथ आओ। बिंदिया, तुम बाबू का ख्याल रखना। यार फेंक दो। सरदार, मेरे दोस्त का लहू वो दूध नहीं है जिसे पीकर तुम्हारे नाग इंसानी जिंदगियों पर मौत के पर फैला दे। चलो मेरे साथ, मेरे दोस्त के जिस्म से नाग का जहर निकाल। सरदार सलाका गोली से नहीं डरता, उसका सीना बहुत चढ़ा है। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ सलाका। मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा। एक, दो। मगर बाबू, नाक का जहर कौन निकाल सकता? मैं जानती हूँ, जहर कौन निकालेगा? नीरा, शलाका। नीरा का हाथ छोड़ दो, मेरी गोली ये नहीं देखेगी कि तुम नागियों के सरदार हो। तुम जल्दी से बाबू को मंदिर ले चलो, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी। उसामा, तुम अनवर बाबू को मंदिर ले चलो, मैं इन्हें देखता। अच्छा।
तो पहले ही कहा था कि नीरा नागमणि का नया जन्म है, और मुझे आशा थी कि राजकुमार सुरज्या भी एक दिन नए रूप में जरूर आएगा, क्योंकि फूल और महकार एक साथ जन्म लेते हैं। आज मैंने अपने एक ही जीवन में अमर प्यार का दूसरा जीवन भी देख लिया। तुम भी आगे बढ़ो, आगे आओ। महाराज, इसे आशीर्वाद न दीजिए, इसके मन में खोट है। किसके मन में खोट है और किसके नहीं, ये देवता ही जानता है। इसने देवता की दासी को बहकाया है महाराज। मैंने नीरा को बहकाया नहीं है, नीरा से मोहब्बत की है। मैं इससे शादी करूंगा। नाग दासी की शादी नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ है बाबा, नाग मुनि की सुरज्या के साथ शादी हुई थी। हुई थी ना महाराज? हुई थी, मगर कैसे हुई थी जानती हो? मैंने सुना है। और मैंने इन बुरी आंखों से देखा है, जिनकी चमक बूढ़े समय के साथ साथ मांद पड़ गई है। फिर ऐसा होना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं पुजारी जी, बताइए अब कौन सा पहाड़ मेरे और नीरा के दरमियान खड़ा है? पहाड़ उस समय भी था, मगर सुरज्या का अंधा प्रेम उससे टकरा गया। मेरी मोहब्बत का भी आप गलत अंदाजा ना लगाएं। जिंदगी के भाव भी अगर नीरा मिल जाए तो मैं के लिए। बताइए मुझे, नीरा को हासिल करने के लिए किस पहाड़ से टकराना होगा, किस समंदर में कूदना होगा, किस सहरा में जलना होगा, बताइए, मुझे बताइए पुजारी जी। तो लो सुनो, जिस समय की ये बात है उस समय भी नागग्राम यूं ही आबाद था। लोग सुख शांत के झूले झूल रहे थे, मगर उनका सरदार अनाशा और उसकी बीवी प्रेमा औलाद के दुख में घुले जा रहे थे। कई बहारें आई और बीत गईं। भगवान हो प्रेमा, आज तुमने अपनी पूजा से देवता का मन जीत लिया। उठो, हर रोज पूजा के बाद इन पवित्र फूलों के कुछ पत्तियां खा लिया करना, देवता तुम्हारी गोद खुशियों से भर देगा। ठहरो प्रेमा, जाने से पहले तुम्हें देवता की मूर्ति के सामने एक वचन देना होगा। वो क्या? अगर तुम्हारे यहां पहली लड़की हुई तो वो तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी गोद में नहीं, नागदासी बनकर देवता के चरणों में पलेगी। महाराज, यहां की यही रीत है। नहीं, नहीं, नहीं। ये रीत पूरी होगी महाराज, हम वचन देते हैं। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बेटी दी है देवता ने। चंदा की किरण आकाश से धरती पर उतर आई है।
दिनों बाद इस बेरूप आंगन पर रूप आया है। मैं इसका रूप नहीं बिगाड़ने दूंगी, बच्ची हमारे पास ही रहेगी। नहीं प्रेमा, देवता अपनी दासी को यहाँ नहीं रहने देंगे। मेरी लाडली को दासी ना कहो, दासियाँ तो वो बदनसीब बनती हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नसीब ना हो। मेरी रानी दासी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मैं उसे अपने मन में छुपा लूंगी। बच्ची को तो मन में छुपा लोगी, मगर मन को देवता से कैसे छुपाओगी? मेरी बच्ची, नीर बोने के बाद मेरे आंगन में खुशियों की एक कली खिली है। मैं इसे कांटों के हवाले नहीं करूंगी। मैं इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चल जाऊंगी। धरती के इस सिरे से उस सिरे तक नाग देवता तुम्हारी राह रोके खड़े होंगे। तो जाओ। जाओ, जाती क्यों नहीं? मौत के सिवा तुम्हारे लिए भागने की कोई राह नहीं। और अपनी बच्ची की मौत चाहती हो तो आगे बढ़ो। सोच क्या रही, बढ़ो आगे। प्रेमा, माँ बाप सदा औलाद पर जीवन वारते आए हैं, हमें तो अपनी बच्ची का जीवन चाहिए। ये हमारी नहीं तो देवता की दासी बनकर ही जीती रहे, हमारे मन को इसी से ठंडक पड़ जाएगी। बच्ची महाराज को दे दो। नहीं, जिस देवता ने मेरी झोली, उसी देवता के चरणों में जाकर मैं अपनी झोली खाली करूंगी। मेरे दूध के लिए बिलक रही है, मैं उसे दूध पिला दूं, मैं उसे दूध पिला दूं। आशा, तुम क्यों आए हो यहां? हमारे जीवन भर की पूंजी यहां है महाराज। वो देवता की देन थी, उसने वापस ले ली। महाराज, मैं बड़ी आस लगाकर यहां आया हूं, दया का द्वार बंद न करे। नाग मुनि की मां अपनी बेटी की जुदाई में पागल हो रही, बस एक बार उसे अपनी बेटी को गले लगा लेने दे, बिलकती ममता को शांति मिल जाएगी। नाग मुनि की कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, वो देवी है। इतने कठोर न बने महाराज, नाग मुनि की पागल मां को देखकर तो देवता की आंखें भी भर आएगी। बस एक बार उसे अपनी बेटी के मुंह से मां का मीठा बोल सुन लेने दे महाराज। नाग मुनि और उसकी मां के दरमियान रीत की दीवार खड़ी है। आप चाहें तो यह दीवार एक पल में गिर सकती है महाराज। मेरा काम धर्म की दीवारों की रक्षा करना है, गिराना नहीं। चले जाओ यहां से। बाबा, बाबा, तुम्हारा नागमुनि से क्या नाता है? अब तो मेरा उससे कोई नाता नहीं, कभी मैं उसका बाप था। बाबा तो? हाँ बाबा, मैं हूं तुम्हारी नागमुनि। बाबा, बाबा, मेरी माँ कहाँ है? तेरे दुख ने उसे पागल कर दिया है बेटी।
वो देख नीचे, बेचारी ममता की मारी तेरी राह देख रही है। माँ चंद्रा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मुझे मंदिर का दीप बनाकर तुम कहाँ चली गई थी माँ? जालिमों ने जबरदस्ती मेरी गोद खाली कर दी थी। तुम्हारे माथे से तो लहू बह रहा है माँ, बहने दे। जीवन भर तेरी जुदाई में नीर बहते रहे हैं, तुझसे मिलकर लहू बहता है तो बहने दे मेरे बच्चे। नहीं माँ, मैं ये लहू नहीं बहने दूंगी। नहीं नागमणि, इसके घाव का मुंह मत लगाना। क्यों ना मुंह लगाऊं? ये मेरी माँ का लहू है, मैं ये पवित्र लहू धरती पर नहीं गिरने दूंगी। क्या कर रही हो मूर्ख? मैं इसके जिस्म में नाग देवता का वो जहर भर दिया है जिस पर तुम पलकर जवान हुई हो। जिसे तुम छू लो वो बच नहीं सकता। वो देखो, तुम्हारा जहर अपना काम कर चुका है। माँ, बाबा, माँ। सुनाओ बेटी, इस अभागन की यही भाग थी। अभागन तो मैं हूँ बाबा, अभागन तो मैं हूँ। नील पोछ डालो नागमन, देवियां रोया नहीं करते। मुझे देवी नहीं, नागन कौन? नागन जिसने अपनी माँ को डसा है। मैं धरती की पहली बेटी हूँ जिसने अपनी माँ का लहू पिया है। मुझे मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। रुक जा, रुक जा नागन। नागमन, जीवन इतना सस्ता नहीं देवी कि तुम उसे यूं गवा दो। देवी, नहीं नहीं, मैं देवी नहीं हूँ, नागन हूँ, जहरीली नागन। मुझे बता तो सही तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों मरना चाहती हो? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैंने मैंने अपनी माँ को डसा है। मैं नहीं मानता, ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है, मैं शीशनाग का झूठा दूध पीकर जवान हुई हूँ। मेरे शरीर में जहर भरा हुआ है। मेरे प्रेम की शक्ति इस जहर को अमृत में बदल देगी। प्रेम? प्रेम क्या होता है? दो अनजाने दिलों का मेल, वो लगन जो मन में जीने की उमंग पैदा करती है। तुम्हें देखकर जीने को मन तो जाने लगा है, मगर मगर क्या? ये अनहोनी है, नागदासियों के नसीब में घुट घुट कर मर जाना है। आंसू पोंछ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे जीवन के अंधेरों में प्रेम की ज्योत जगाऊंगा। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा हमेशा के लिए। आओ चलो। राजकुमार, नाग देवता ने नाग मुनि का चारों ओर पहरे बिठा रखे, को भगाने वाला जिंदा नहीं रह सकता। सूरज जी नाग मुनि को भगा कर रही है,
ब्याह कर ले जाएगा महाराज। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजकुमार जो दिल में ठान लेते हैं वो होकर रहता है। अपनी हठ धर्मी से भाग आओ राजकुमार। हमारे लिए हम अपने कबीले की रीत नहीं बदल सकते। कोई गैर मर्द नागदासी को अपना नहीं बना सकता। आप कुछ भी कहें महाराज, मगर अब मेरे और नागमुनि के दरमियान दुनिया की कोई ताकत दीवार नहीं बन सकती। मैं नागमुनि को अपना बनाने का वचन दे चुका हूं। तो फिर एक शर्त है, तुम्हें नागमुनि को अपनाने के लिए शीश नाग का जहर पीना होगा। मुझे मंजूर है। कब? नागमुनि को आज से 5 दिन बाद नागदासी बना दिया जाएगा। अगर इसे पाना है तो नागपंचमी की रात को मंदिर में आकर शीश नाग का झूठा दूध पीना होगा। बच निकले तो नागमुनि तुम्हारी हो जाए। नहीं राजकुमार, जहर पीकर कोई नहीं बचता। मैं तुम्हें देवता की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन भी हारने के लिए तैयार हूँ नागमुनि। मेरे प्यार पर विश्वास रखो, मैं जल्द लौटूंगा। तुम भी वचन दो, मेरा इंतजार करोगे। मेरी हर सुबह तुम्हारी याद में बीतेगी, मेरी हर शाम तुम्हारी राह देखेगी। मैं वचन देती हूँ। चलो नागमुनि, पूजा का समय हो गया है। राजकुमार, दासियां राजकुमारों का मन बहलाने के लिए होती है, उनकी जीवन साथी बनने के लिए नहीं। मैं वचन दे चुका हूं महाराज, मेरी जीवन साथी नागमुनि ही बनेगी। इसलिए कि तुम्हारे मन के बाद अब वो तुम्हारे जीवन को भी रस ले। ये ना भूलो राजकुमार कि तुम्हारे माथे पर हमारी आने वाली संतान के नाम खुदे हैं। हम तुम्हें जहर पीने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। पिताजी, महामंत्री, राजकुमार को इनके कमरे में बंद कर दिया जाए। नागपंचमी गुजर जाने के बाद इन्हें निकाल देना। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, उतने दिनों तक राजकुमार पर कड़े पहरे रहेंगे। जिनके साजन
यहां किसे देख रही है? संसार माया मोह का जाल है नागमुनि, जो आज टूटकर बिखर जाएगा। आज तुम्हारे मन में एक नई ज्योत जगेगी, देवता के प्रकाश की ज्योत। जो ज्योत प्रेम के देवता ने मेरे मन में जगा दी है, उसके सामने और कोई ज्योत नहीं जग सकती महाराज। वो प्रेम नहीं, धोखा था, उसे भूल जाओ नागमुनि, आगे बढ़ो। ठहरो महाराज, अब ये नाग देवी नहीं राजकुमारी बनेगी। सुरजिया, ना वो जहर कहां है? आज प्रेम की शक्ति देवता की रीत बदलने आई है। देवता की रीत अटल है राजकुमार। मेरा प्रेम उससे भी अटल है, देर ना करो, लाओ जहर। नहीं सुरजिया, तुम आ गए, अपना वचन पूरा कर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। इधर आओ नागमुनि। लो नागमुनि, अपने प्रेमी की इच्छा पूरी करो। नहीं 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 महाराज, देवता की यही रीत है, राजकुमार को तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथों से जहर पीना होगा। लाओ नागमुनि, प्रेम का अमृत पीने के लिए मेरा मन बेकल हो रहा है। आज दो रीतों की टक्कर है नागमुनि, तुम्हारे हाथ कांपते हैं तो प्रेम की रीत हार जाएगी। तुम मेरा जीवन हो, अपने हाथों से तुम्हें जहर कैसे दूं? डरो नहीं नागमुनि, मुझे अपने प्रेम की सच्चाई पर भरोसा है, मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं हारूंगा। हाथ तो यूं ही काम रहे थे, जहर तो सचमुच अमृत था। वो देखो नागमुनि, देवता को भी हमारे प्रेम पर प्रेम आ रहा है। नागमुनि, 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 तुम कहां हो? मैं यहां हूं सूरजिया, तुम्हारे पास। मेरे पास? तुम्हें क्या हो गया सूरजिया? कहा था कि मैं नहीं हारूंगा, तुम हार गए तो मेरे लेख हार जाएंगे। तुम तो मुझे प्रेम की देवी बना रहे थे सूरजिया, देखो सूरजिया, ये सब लोग मुझे नाग देवी बनाने आए हैं, मैं नाग देवी नहीं बनूंगी। सूरजिया आंखें खोलो, सूरजिया, नागमुनि।
नागमणि, मैंने कहा था ना, मैं नहीं हारूंगा। सुरजिया, मेरे प्रेम ने आज तुम्हें देवता से चूक लिया। राजकुमार, तुम्हारा प्रेम अमर है। राजकुमार, इस तरह सुरजिया ने प्रेम के उस सुंदर आकाश को छू लिया जहां कोई सपनों में भी नहीं पहुंच सकता। नागमुनि और सुरजिया दोनों अपने अपने तन में नाग देवता का जहर लिए मिलन की सुहानी घड़ियां बिताने लगे। मोहब्बत की ये अजीम दास्तान सुनाकर आपने ये साबित कर दिया है कि सच्ची मोहब्बत इंसान को उस मकाम पर पहुंचा देती है जहां अंधी सदियां और बहरे जमाने भी उसके कदमों में बिछ जाते हैं। सुरजिया ने नाग देवता को वचन दिया था कि उसके घराने की हर पहली लड़की नागदासी बनकर जीवन गुजारेगी। सरदार शलाका भी सुरजिया के घराने से है और नीरा इसकी पहली लड़की जो इस नाग पंचमी की रात को नागदासी बन जाएगी। आपकी ये रीत अब भी कायम है? रीत तो अब भी है, पर जहर को अमृत समझकर पीने वाला सुरजिया कोई नहीं। सूरजिया आसमान से नहीं उतरता, इसी जमीन पर पैदा होता है। अगर आप अपनी रीत पर कायम हैं, तो नीरा को हासिल करने के लिए जहर पीने की रीत मैं निभाऊंगा। बाबा, घबराओ नहीं नीरा, मोहब्बत निभाने की रस्म सूरजिया के साथ उठ नहीं गई। ये रस्म हर जमाने में ताजा होती है। दुनिया में जब तक जहर है, जहर पीने वाले भी पैदा होते रहेंगे। फिर सोच लो बाबू। मोहब्बत करने के बाद सोचा नहीं जाता पुजारी जी। तो नाग पंचमी की रात को तुम्हारे प्रेम की परख होगी, शीशनाग का जहर तुम्हारी राह देखेगा। मैं अभी से उस रात की राह देखूंगा जिसके तारों भरे आंचल के साए में मेरा और नीरा का हसीन मिलाप होगा। क्यों रो रही है नीरा? मैं मर जाऊंगी सीबी, मैं मर जाऊंगी। बात क्या है, कुछ पता भी तो चले। तू नहीं चाहती सीबी, मुझे बाबू से कितना प्यार है, मैं उससे बिछड़ कर जिंदा न रह सकूंगी। मिलने से पहले बिछड़ने के बारे में सोच रही है? तेरे और बाबू के बीच अब कौन सी दीवार है? मेरे भाग, जानती है बाबू ने शीशनाग का जहर पीने का वचन दे दिया है। मैं डरती हूँ उसने ऐसा किया तो वो मर जाएगा, और वो मर गया तो फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तो तूने बाबू को समझाया होता? मैंने तो समझा था तू मेरा हौसला बढ़ाने आई होगी। मैंने तो सोचा था तू आकर कहेगी, ना घबरा बाबू, मौत भी प्यार करने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मेरी मोहब्बत को जो रास्ता दिखाने आई है नीरा, मैं उस पर नहीं चल सकता। मगर बाबू, अपने आंसू पोंछ ले नीरा, मौत सुरजिया के इरादों को नहीं बदल सकी थी, वो मेरे कदमों को भी नहीं टकरा सकेगी। मोहब्बत की कसम मैं तुझ पर एक नहीं, हजार जन्म मारने को तैयार हूँ। तू समझता क्यों नहीं बाबू, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा प्यार बदनाम हो जाएगा, लोग मुझे तेरी मौत का कारण ठहराएंगे। मैं तेरे पांव पड़ती हूँ बाबू, ये जिद छोड़ दे। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान मोहब्बत है, सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर कर दूं। चांद तारों से मेरी जान तेरा दामन भर दूं। तेरे ख्वाबों पे कभी छा न सके शाम अलम। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान मोहब्बत है।
जहां एक जहन्नम है जहां तू न मिले जल के मर जाऊं जो ये साया गेसू न मिले जिंदगी जहर भरा जाम है अब तेरे बगैर तेरी चाहत पे हैं कुर्बान मेरे लाख जन्म मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम मेरा ईमान मोहब्बत है मुस्कुरा जाने बहारा के सवेरा होगा खत्म सदियों के रिवाजों का अंधेरा होगा शब की तकदीर में लिखा है गुजर ही जाना राह सूरज की कहाँ रोक सके पहले सितम मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम मेरा ईमान मोहब्बत है खाना ठंडा हो रहा है साहब हाँ क्या बात है क्या सोच रहे हो डॉक्टर बाबू कहाँ है होगा अपनी उसी नागन के पास न जाने क्या जादू कर दिया उसने कुछ समझ में नहीं आता सामा मैं नहीं चाहता अनवर उससे शादी करके अपनी जान कमा बैठे तुम डॉक्टर बाबू को समझाओ ना वो बहुत समझा चुका हूं मैं कब साहब एक बात कहूं साहब कहो कहो नीरा नाग देवता की औलाद है तुम उसे कहो नागन बनकर दिखाए डॉक्टर बाबू जब उसे नागन के रूप में देखेंगे तो अपनी हद छोड़ देंगे क्या ऐसा हो सकता है हाँ तो हो सकता है ये लोग अगर चाहें तो नाग पंचमी की रात अपना रूप बदल सकते हैं रूप बदल सकते हैं नीरा मेरा बाबू आ गया है बाबू से बहुत प्यार है तुझे इतना कि शायद तू खोज भी ना लगा सके एक दोस्त के रिश्ते से मुझे भी अनवर से बहुत प्यार है मैं आज तुझसे उसकी जिंदगी का सौदा करना चाहता हूँ तू क्या कह रहा है बाबू तू अगर अनवर का पीछा छोड़ दे तो मैं तुझे बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार हूँ बाबू मेरे मन का देवता है और देवताओं का सौदा नहीं हुआ करता सच्चे प्यार की हंसी उड़ाने के लिए कुछ और नहीं सूझा तुझे ये फिर मैं कैसे यकीन कर लूं तेरा प्यार सच्चा है या झूठा ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ एक फरेब हो मेरे प्यार पर इल्जाम न दे बाबू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ नीरा अगर तुम दोनों की मोहब्बत सच्ची है तो मुझे इस मिलाप पर कोई एतराज नहीं मैं अनवर को आजमा चुका हूँ और अब तेरी बारी है प्यार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं सिर्फ इस बात का यकीन चाहता हूँ कि तू नाग देवता की औलाद है वो कैसे मैंने सुना है कि नाग पंचमी की रात को अगर तुम लोग चाहो तो नाग बन सकते हो तू ऐसा क्यों चाहता है बाबू अपने यकीन की खातिर बोल नीरा क्या तुझे ये शर्त मंजूर है मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में न डाल बाबू ये काम इतना आसान नहीं और वो आसान है जिसे सिर्फ तुझे पाने की खातिर अनवर करने को तैयार है तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा नीरा नहीं तो मैं समझूंगा ये सब कुछ महज एक ढोंग है आज रात हम डाक बंगले में तेरा इंतजार करेंगे तू नागन बनकर आएगी और औरत का रूप बदलकर हमें जगाएगी ये तेरे प्यार का पहला और आखिरी इम्तिहान है तूने बहुत बड़ी शर्त लगा दी है बाबू प्यार को सच्चा साबित करने के लिए मैं ऐसा जरूर करूंगी मैं आज रात नागन बनकर डाक बंगले आऊंगी आज मेरे अरमानों की रात है
आज मैं कबीले की रीत पूरी करके नीरा को हमेशा के लिए जीत लूंगा। और आज मुझे भी यकीन हो गया है कि दीवानों के सर पर सींग नहीं होते। क्या मतलब? ये जानते हुए भी कि जहर का प्याला पीकर कोई शख्स जिंदा नहीं बचता, तुम्हारे सर पर वही जुनून सवार है। आखिर तुम यजीद छोड़ क्यों नहीं देते? तुम इन बातों को नहीं समझोगे ख्याल। तुम क्या जानो सच्ची मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। देखो अनवर, मैं तुम्हारे प्यार की सच्चाई को तस्लीम करता हूँ, लेकिन इंसान इंसान से रिश्ता जोड़ता है। नीरा तो नाक देवता है। मैं इन फजूल बातों को नहीं मानता। और अगर ये सच हो तो? अगर तुम नीरा को नागन के रूप में देख लो तो भी क्या है। मैंने इस आग से गुजरने का फैसला कर लिया है ख्याल, चाहे जलकर राख ही क्यों ना हो जाऊं। महाराज, नीरा, मुझ पर दया करो महाराज, मुझ पर दया करो। क्या चिंता है तुझे? मैं कुछ देर के लिए नागिन बनना चाहती हूँ। नागिन? मगर क्यों? प्यार की सच्चाई के लिए मैं वचन देती हूँ। वचन हार गई तो लोग प्यार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ये बात मेरे बस की नहीं, ऐसा तो सिर्फ देवता की इच्छा से हो सकता है। ये ख्याल अपने मन से निकाल दे नीरा। कैसे निकाल दूं महाराज, ये मेरे प्यार का इम्तिहान है। मैं जीवन हार सकती हूँ मगर वचन नहीं हार सकती। मुझे कुछ देर के लिए नागिन बना दो महाराज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिद न कर, देवता के मन को पिघलाना आसान नहीं होता। मैं देवता को राजी कर लूंगी महाराज, बस तुम मुझे आशीर्वाद दो। मूर्ख। अच्छा जा, देवता तुझ पर। Thank you.
राग के रस तुझे जिंदा वापस जाने नहीं दूंगी। तू मेरे बाबू के प्यार से अपनी मांग कभी नहीं भर सकती। बाबू मेरा है और सदा मेरा रहेगा। आज तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती मीरा। तू मेरे प्यार की राह में दीवार बन गई है। आज मैं ये दीवार तोड़ दूंगी। प्यार करने की सजा मिली है। मैंने सोचा था तू सिर्फ मेरा बन के जिएगा, मगर मैंने जान लिया है कि हर चीज मांगे से नहीं मिल जाती। बिंदिया, क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुम चिंता ना करो बाबा, मैंने मरते मरते भी अपना बदला ले लिया है। भला मैं अपने बाबू को उस नागन का कैसे बन जाने देती। मैं बिंदिया के लिए इंजेक्शन तैयार कर लूं। बाबू, मीरा आज नागन के रूप में यहाँ आई थी, मगर अब वो कभी रूप नहीं बदलेगी। उसने मेरे प्यार को डसा था। मैंने उस जहरीली नागन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये झूठ है। यकीन नहीं तो वो देखो उसका लहू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निर्दयी हो बाबू। ये क्या हुआ नीरा? बाबू,
प्रेमी भोले होते हैं ना, धोखा खा ही जाते हैं। मरते समय तुम्हारे दर्शन ना होते तो मेरी आत्मा जन्म जन्म तक तुम्हारे लिए भटकती रहती। ऐसा न कहो नीरा, सच्चा प्यार करने वालों को तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती। हाँ मेरे साथ। रुक जाओ बाबू, ऐसे हाथ मत लगाना, अभी तुमने शर्त पूरी नहीं की। सरदार, नीरा जन्म जन्म से मेरी है और मेरी ही रहेगी। पुजारी जी लाओ वो जहर का, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। बाबू तुमने क्या किया? वही जो प्यार करने वाले सदा किया करते हैं दोस्त। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है पुजारी जी, मेरा अब मेरी नहीं। महाराज सरदार, जिस्मों के मिलाप पर तो पहरे बिठाए जा सकते हैं, मगर आत्माओं का मिलाप कोई नहीं रोक सकता। इन्हें जाने दो। मेरी बच्ची, कदम आगे नहीं बढ़ते, शायद मंजिल पहुंचे। पेवारू मन तो पेवारू, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारू। मन तो पेवारू, मन तो पेवारू, बिगड़ी बना दे तो है बिगड़ी।